कैसे हो दोस्तों आप लोग? इंताज अली है। अरे बंद इंसान करेगा। है इंसान है, तो इंसान भाई का आप लोग बोलेगा। को मैं बताता हूँ, आज हम लोग बात करेंगे बाबा के फैमिली के बारे में। और ये अमरजीत और बबल, बबल क्यों पीछे खड़े बोला हो? यार काहे पीछे रहो थोड़ा। तो हम लोग आज बाबा के फैमिली के बारे में बता रहे हैं। अच्छा बाबा के चार लड़के हैं, एक एक्सपायर हो गए हैं और तीन लड़के हैं, जिनमें बड़े लड़के के दो लड़के हैं। एक छोटा लड़का जो ट्रैक्टर टाली है उसका काम करता है, दूसरा दिल्ली में तैयारी करता है। बाकी बाबा इसलिए हमारे गांव में रहते हैं, क्या है कि उनका व्यवहार जो है वो थोड़ा दबंग टाइप के हैं। गाँव उनके में किसी को फैमिली पता नहीं। से मतलब वो फैमिली नॉर्मल रहती है, सबसे अच्छे से बोलचाल है, उनका व्यवहार अच्छा है। और बाबा है, कोई कुछ भी अगर उल्टा बोल देगा तो बर्दाश्त नहीं करते, गाली तुरंत देते हैं। तो इस लड़ाई की वजह से यहाँ पे रहते हैं हमारे गांव में। हमारे रमेश भाई आप लोग जानते हैं, और पिछले से बाहर एक है शॉप खुल गया है और अंडे इसने एक का, ब्लोरो खरीदी है जिसका चला अंडे रहा है, का ब्लोरो है। दुकान खोला है और फार्म, एक और फार्म बनवाने वाला है, फिर एक हम अंडा लोग को भी फार्म कह रहे हैं बनवाएगा। ताज अली से कि हम लोग को भी कोई रोजगार दे, हम लोग भी मान लीजिए रोजगार में लगे। बाकी सब ठीक ही है, लाइफ चल रही है वैसे। लेकिन साला बहुत हरामी है, साला कंजूस है, एक भी रुपया खर्चा नहीं भाई। करता है साला। बाबा ब्याह करे वाला बा, हाँ ये थोड़ा एक पैसा देता नहीं करवाए घाती। तो दोस्तों हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये गोरखपुर और देवरिया के एकदम सीमा है, ये समझ लीजिए जो बाबा खड़ा है ये देवरिया जिला में है, और हमारे काका जो खड़े हमारा जिला है देवरिया नहीं कहा, और उधर गोरखपुर पड़ता है, और इस साइड में जो है ये बाइक काका जहाँ तक गए हैं वही समझ लीजिए, काका जहाँ से बात कर रहे हैं वहीं से आपको दिखाते हैं। यही जो नाला है यही गोरखपुर और देवरिया का सीमा है, इधर देवरिया पड़ता है और उस साइड में मतलब इस साइड देवरिया और उस साइड गोरखपुर। अभी ना अभी देखिए जो अमरजीत भारद्वाज है, इसका कोई अगर अच्छा सा हॉस्पिटल आपके नजर में है तो भाई प्लीज आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बता। ये हमारे मुकेश भाई, इनकी शादी तय हो गई भाई, है। ये सब वैसे मजा ले रहे हैं, शादी है मजा नहीं, ऐसा कोई बात दिल में लड्डू फूट ही रहा है और हम आपकी बारात कराएंगे मुकेश भाई। नहीं भाई ऐसा कोई बात हम लोग नहीं, मुकेश भाई बारात कराएंगे, इनके टाइम लगेगा शादी है। बाकी इसका नंबर है इंताज है, इंताज मेरे बगल में, और इसका नंबर है। का कब तक आता है? अब हम आप लोग की दिल की बात कैसे बताएं? दोस्तों इस समय हम लोग का जो धान का खेती कट रहा है, तो सरकार द्वारा ये संस्था चलाई गई है कि खेत में जो कंपाइन काट रहा है उसको जलाया ना जाए। फिर भी आप लोग देखिए, आपको दिखाते हैं पीछे, ये जला कर प्रदूषण फैला रहे हैं। तो भाई जब तक हम लोग जागरूक में हम लोग नहीं जागरूक होंगे तब तक सरकार भी नहीं कुछ कर पाएगी। तो प्लीज लोगों से यही अपील है कि जो खेत पॉल्यूशन थोड़ा कम करें और जो कट रहा है उसको जलाए मत, उसको कहीं इकट्ठा करके चाहे कहीं जगह खाली वहाँ पर रख दें, और हवा पानी का जो शुद्ध हवा जो बढ़ रहा है उसको वातावरण अच्छे से बनाए। साफ है तो आप लोग भी सेफ है और हम लोग भी सेफ है। चालू करो, चालू करो ना। चल हो जाए दुकानियों जा रहे हैं भाई घर चलना है भाई साहब। अरे हम और चलो और चलो एक्शनवादी यही पाए जो हुआ था वो सक्सेस नहीं, इनका सक्सेस नहीं हुआ तो इन्होंने भाई बोला, तो मैं भी बोला चलो भाई ठीक है हम लोग के सपोर्ट है करेंगे सब लोग भाई। पीछे पड़ गया, पीछे क्या पढ़ना है, जो सच्चाई है भैया वो सच्चाई है। तब का सच्चाई है, सच्चाई तू ही तो दुलरुआ वाला। हां तू ही तो दुलरुआ।
राजेश भाई जो पहला हो गया वो हो गया, दूसरा कर लो आराम से, दूसरा कर लो आपकी सर। यहाँ पे रोड काम अभी चल रहा है, मतलब आगे बन गया है रोड, इधर नहीं हुआ। देखिए काम चल रहा है, मतलब इधर तो हो गया पूरा रोड बन रहा है, धीरे धीरे सहारा हो जाएगा काम। बबल जयकारा कर दो।